फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जालीदार नमक पारे शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, कितना क्रिस्पी है, एकदम बहुत ही अच्छा बना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं रेसिपी बनाऊँ न्यू। अगर आप एक ही जैसे नमक पारे खा के बोर हो गए हों तो आप इस बार एक नए स्टाइल से नमक पारे बनाइए और आपके मेहमान भी पूछेंगे कि कैसे बनाया। बहुत ही इजी है बनाना, लेकिन एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो मैंने ये सारी सामग्री ली है। मैंने 2 बाउल लिया है मैंने यहाँ पे मैदा, और उसके बाद ये मैंने लिया है थोड़ा सा हींग, और ये मैंने लिया है अजवाइन, और ये लिया है मैंने काला जीरा, इसको मंगरेल बोलते हैं। ये घी लिया है मैंने, और ये मैंने तलने के लिए ऑयल लिया है। तो आप देख सकते हैं इतनी सामग्री से हम बनाएंगे। और अजवाइन को हम क्या करेंगे, पहले हाथ पे लेंगे, इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से आटे में मिल जाए, इससे एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो हम इसे मसल कर रखेंगे और फिर हम जो हमने मैदा लिया है उसके अंदर हम टेस्ट के अनुसार साल्ट ऐड कर देंगे, और साल्ट को हम अच्छे से हाथों से अच्छे से मिलाएंगे ताकि पूरी जगह पे साल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हमने जो घी लिया है वो घी हम इसके अंदर डालेंगे, 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे, और आगे हम बताएंगे कि किस तरह से रखना है ताकि वो अधिक खस्ता बने हमारी जो नमक पारे हैं। तो आप देख सकते हैं घी को भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और घी डालने से क्या, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से क्या होता है, हमारे जो नमक पारे हैं वो बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो आप एक बार इस तरह से भी घी डाल के आप बना के देखिए। तो मैंने यहाँ पे पूरा घी डाल दिया है तो, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और वो बाउल छोटा था तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है कि स्पेस कम मिल रहा था मिलाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह का हो जाना चाहिए मुट्ठी। अगर हम नीचे गिराएं तो टूटना नहीं चाहिए मुट्ठी को। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो रेडी करेंगे। वो डो हमको मीडियम रेडी करना है, और ना तो हार्ड होना चाहिए ना सॉफ्ट होना चाहिए। मीडियम डो रेडी करके हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा डो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं उस इस तरह का डो रेडी करना। अब हाथ में थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको चिकना करके कवर करके हम रख देंगे। इसको हमें 15 से 20 मिनट रेस्ट करना है। उसके बाद देखिए, मैंने रेस्ट हो जाने के बाद हमने इसको फिर से हाथों की हेल्प से थोड़ा सा मसल लेना है अच्छे से। तो अच्छे से मैंने ये देखिए मसल लिया है वापस से। अब हम डो से एक लोई लेंगे और इसको हमको बेल लेना है। आप प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं और चकले पे बेल सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने लिया है बेलन, उसमें मैंने घी लगा लिया है। तो इसमें क्या होता है कि वो फिर चिपकेगा नहीं अगर हम उसके बेलन के ऊपर अगर हम घी लगा लेते हैं तो। तो इस तरह से हमें इसको रोल कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने रोल कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है या कुछ भी आप ले सकते हैं राउंड शेप के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और यहाँ पे मैं ये कट कर ले रही हूँ। इस तरह से हमें पीसेस अलग कर लेना है और सारे पीस को इस तरह से कट कर लेना है, और जो बाकी का पार्ट होगा उसको हमको अलग हटा लेना है और उसको हम बाद में काम में ले लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको हमें थोड़ा थोड़ा सा रोल कर लेना है और थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो इस तरह से हम दोबारा से इसको रोल करेंगे, आपको दिखाती हूँ मैं अभी रोल करके। तो देखिए, ये मैंने वापस से रोल थोड़ा सा हमें करना है बड़ा। इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो फिर हमें इसमें जाली बनाने में आसानी रहेगी। तो इसी तरह से हम सभी को रोल कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर जो डिजाइन है जाली की, वो जाली हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें एक साइड से यहाँ पे पतली पतली कट करना है, और जो ऊपर का नीचे का हिस्सा है वो नहीं कटना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, तभी हो सकता है। इस तरह से हमें पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेना है और उस सर्कल के अंदर ही करना है हमको,
तब भी वो अच्छा से होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम कट कर लेंगे तो ये पानी लेंगे थोड़ा सा और उसको साइड में हम लगाएंगे यहाँ से इस तरह से, और जिधर ये आधे साइड में ही हमें पानी लगाना है, दूसरी साइड में नहीं लगाना है। और फिर उसके बाद हम इसको धीरे से इसके ऊपर रख के और प्रेस कर देंगे ताकि ये खोलते समय खुले नहीं। तो इस तरह से हम सारे जाली बना के और ये इस तरह से रेडी कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी जालीदार नमक पारे बना लिए हैं। और अब हम इसको तलने की प्रोसेस में जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा डाल के देख लेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। अगर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। और हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो हमारे जल जाएंगे नमक पारे। और इसको हमें अच्छे से इसको ब्राउन होने तक करना है हमको डीप फ्राई। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अंदर डाल दिया है, और फिर एक साइड होने के बाद आप देख सकते हैं उसको मैंने पलट दिया है, और ये बहुत ही अच्छे बने हैं और एकदम क्रिस्पी बने हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह से एक बार बनाइए और खाइए और खिलाइए सबको, और देखते ही मन हो जाए खाने का। ऐसा डिज़ाइन है ये, बिल्कुल एकदम न्यू स्टाइल का। तो आप बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग हो गया है, और अब हम इसको थोड़ी देर में, ये देखिए ये पूरा अच्छे से हो गया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद चाहे बाकी सारे नेपकिन पेपर पे बाकी सभी को भी हम इसी तरह से धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो अभी हम ये दो तीन हो गए हैं, दो अभी अच्छे से नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद हमने देखिए सारे हो गए हैं, तो अब हम निकाल लेते, इसी प्रोसेस से हमें सारे बनाने हैं और सारे बना के निकाल लेने हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे ये नमक पारे, जालीदार नमक पारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं, और हमने इसको सर्व कर लिया है। और आप इसको ठंडा होने के बाद एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिए, और 8 से 10 दिन जितने दिन खाना हो खाइए, और गेस्ट को भी खिलाइए। अगर आपको मेरी ये बनाने का रेसिपी अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड डे, हैप्पी होली, ऑल ऑफ यू।